हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वीआईटी, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, जहां पर मैथ्स और बायो दोनों ही स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं बीटेक के अंदर। डिग्री का नाम बीटेक कहलाएगा। और आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या रहेगा तरीका, एग्जाम क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, डेट्स क्या है इंपॉर्टेंट, सब चीजें आपको बताई जाएगी। साथ ही साथ डायरेक्ट एडमिशन भी होता है इन कॉलेजेस के अंदर। वीआईटी के चार कैंपस हैं। सबसे पहले वीआईटी वेलोर, फिर है वीआईटी चेन्नई, फिर है वीआईटी एपी यानी आंध्र प्रदेश, और फिर है वीआईटी भोपाल। तो इन्हीं चारों में एडमिशन के लिए हम आज बात कर रहे हैं। और हमने कहा डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, तरीका क्या है, व्हाट्सएप करना है, नीचे जो आपको मैसेज नजर आ रहा है उस पर एक नंबर दिया है, व्हाट्सएप करना है, लेकिन व्हाट्सएप नो कॉल्स, ठीक है। 10 to 6, 10 AM से 6 PM के बीच आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको आंसर दिया जाएगा, तरीका बताया जाएगा हर तरह से। और कोई आपको दिक्कत आती है तो भी आपको मैसेज करना है। अगर अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। रीजन यही है कि आपको टाइमली इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिल जाते हैं, अदरवाइज नहीं मिल पाते हैं। तो भाई बात करते हैं क्या रहेगा, सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होगा। तो चाहे आप इंडिया के स्टूडेंट्स, नेशनलिटी आपकी इंडिया है, चाहे आप एनआरआई हैं या फिर आप फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, सभी एप्लीकेबल हैं वीआईटी में एडमिशन लेने के लिए। मैथ्स है तो भी, बायो है तो भी। बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो भाई एज क्राइटेरिया, अगर आप 1 जनवरी 2000 के बाद आपका बर्थ हुआ है तो आप एप्लीकेबल हैं इस साल एडमिशन लेने के लिए, यानी 22 में एडमिशन लेने के लिए। उससे पहले वाले स्टूडेंट्स एप्लीकेबल नहीं है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो भाई आपने 12th क्लियर किया हो या अपियरिंग हो आप आइदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और जिनके पास दोनों हैं वो भी चलेंगे। अगर हम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी 12th के परसेंटेज की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपका 55% लाना कंपलसरी है। अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या फिर ये जो स्टेट्स आपको नजर आ रही हैं, इन स्टेट्स में से किसी स्टेट के स्टूडेंट हैं, वहां से बिलोंग करते हैं, तो आप 45% भी सिक्योर कर सकते हैं। किन में? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। सपोज करिए एक स्टूडेंट है जिसके टोटल परसेंटेज बने 65, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो अगर उसका 55 से कम है इन केस ऑफ नॉर्मल, इन केस ऑफ कैटेगरी एससी एसटी एंड दीज स्पेशल स्टेट्स, अगर 45% से कम है एग्रीगेट इन तीन सब्जेक्ट्स में, तो आप एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। दो तरह के क्राइटेरिया होते हैं, मैंने कहा एक क्राइटेरिया जो है वो क्या है, आपका जो डायरेक्ट एडमिशन है वो, दूसरा क्राइटेरिया है टेस्ट जो आपको भरना है। और इवन डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी ये एग्जामिनेशन फॉर्म तो भरना कंपलसरी है, जिसका नाम है VITEEE EEE 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 E
30 मई 30th of May 2022 इज द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म. इसके बाद आपके एग्जाम होगा. ठीक है, एग्जाम जो होगा वो अलग अलग डेट्स पे है. ये आपको अलग अलग डेट जो नजर आ रही है इनमें स्लॉट दिए जाएंगे. ये अलग अलग स्लॉट्स में आपको दिया जाएगा और स्लॉट आपको चूज करने हैं. एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपसे पूछा जाएगा आपको कौन सा स्लॉट चाहिए. जो स्लॉट आप चाहते हैं या जो एग्जाम सेंटर की सिटी चाहते हैं वो आप भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं. इसके बाद आपका काउंसलिंग होगी फाइनली रिजल्ट आने के बाद और आपको मिल जाएगा एक कॉलेज. तो भाई क्या रहेगा तरीका, सबसे पहले पैटर्न की बात कर लेते हैं. जो ये VIT EEE एग्जाम है इसका क्या पैटर्न रहता है. तो पैटर्न आपको नजर आ रहे हैं दो, एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए है. नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो 125 है. मैथ्स या बायो जो भी स्ट्रीम आपके पास 40 क्वेश्चन रहेंगे. फिजिक्स के 35, केमिस्ट्री के 35, इंग्लिश के 5 एंड एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन. अगर बात करें एग्जाम ड्यूरेशन की तो 2.5 घंटा यानी 2 hours 30 minutes रहेगा इसका टाइम. बात करें अगर बच्चों को यह पूछना है कि सिलेबस क्या रहेगा, तो भाई सिलेबस वीडियो में हम डिटेल नहीं बता सकते हैं.
आप व्हाट्सएप कर दीजिए इन नंबर्स पे जो आपको नीचे दिख रहे हैं, 10 AM to 6 PM के बीच में व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको जो सिलेबस है वो भी बता पाएंगे कि क्या है, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा चाहिए वो भी हम बता पाएंगे। फीस की अगर बात की जाए तो देखिए 5 कैटेगरी में ये फीस होती है। ग्रुप ए जो आपको नजर आ रहा है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो बायो इंजीनियरिंग, बायो टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग यानी कि बायो की फील्ड के स्टूडेंट्स भी यहां पर जा सकते हैं, ग्रुप ए। ग्रुप बी में सभी कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स और बाकी फील्ड्स आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब चीजें आती हैं यहां पे। तो नजर आ रहा है आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी में 5 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्या क्या फीस रहती है ये सब आपको नजर आ रहा है, ये पर ईयर फीस है, ये है पर ईयर फीस दोनों की ही। तो फीस आपने सब देखी कि कैसा है क्या है। लास्ट अगर हम ये कहें कि इस कॉलेज का या VIT का कितना नाम है क्या है, तो कुछ डेटा आप देख पा रहे हैं NIRF रैंकिंग से लेकर के डिफरेंट डिफरेंट रैंकिंग्स और हम अवार्ड्स या कह सकते हैं बड़े लेवल पे कहां कहां नाम है क्या है, तो बहुत इजीली आपको नजर आ रहा है कि इंजीनियरिंग की फील्ड में 12th रैंक NIRF रैंकिंग जो है वो मिल चुकी है इसे। लास्ट जो होती है यानी कि हर ईयर ये रैंकिंग मिलती है, तो लास्ट ईयर की जो रैंकिंग है वो ये रही है VIT के लिए। तो टॉप कॉलेजेस में से एक है, आइदर मैथ्स या बायो कोई भी स्टूडेंट्स जा सकते हैं। लेकिन जो कोर्सेज होते हैं डिपेंड करता है कि कौन से कैंपस में कौन सा कोर्स है। अब आपको अगर ये जानना है कि कौन से कैंपस में कौन सा कोर्स है, तो भी आप क्या करें, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको ये भी भेज देंगे कि किस कैंपस में कौन सा कोर्स इस टाइम पे चल रहा है, और अदर डिटेल्स जो भी आपको चाहिए रिगार्डिंग मेस चार्जेस क्या होते हैं या AC non-AC रूम्स के हॉस्टल चार्जेस क्या होते हैं, ये सब डिटेल्स हम आपको क्लियरली बता देंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए इन्हीं नंबर पे, और फिर से एक बार दोहराता हूं कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम में हम इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लेकर के आते रहें। सो इसी तरह से पढ़ते रहिए और एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाइए, जो कि हमारा मकसद है कि आप एक टॉप कॉलेज में पहुंच जाएं। All the best.